그래요. 웃기려면 무엇 감독이 그거 해갖고. 게 쓰레기 없고. 뭐 하는 친구들이 사실에 대비가 많은 거. 케미스트리 게 쓰레기. 야, 뭐 하는 거. अगर एक्टिंग वाइज देखने जाएंगे तो किसी एक्टिंग ज्यादा अच्छी भी नहीं है दीपिका ऑलवेज ऑलवेज यार सी लेट आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स होना चाहोगे फॉर आउट ऑफ 4 एंड हाफ सर अच्छी मूवी है केमिस्ट्री कैसी लग रही है विनोदी जी की विनोदी जी और दीपिका पादुकोण की बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है दीपिका ने अच्छा एक्शन करी है इसमें स्टोरी वाइज देखने जाएंगे तो कैसी लगी स्टोरी ठीक है खाली एक्शन अच्छा है तो आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स देना चाहोगे 3 एंड हाफ थैंक यू सो मच हाँ बहुत अच्छी मूवी थी मतलब जो एक्शन था एकदम ग्रिपिंग एक्शन था ऐसा नहीं कि कुछ भी यहाँ वहाँ मार दिया एकदम डायरेक्टर बहुत अच्छा है और ऑब्वियसली दीपिका मेक्स अस वेरी प्राउड इट इज़ अ वेरी नाइस मूवी अच्छी है इट्स गुड या ऐसे उन दोनों को कंपेयर तो नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अलग स्टाइल के एक्टर्स हैं बट दीपिका वाज डेफिनेटली शी पास्ड एक्सपेक्टेशंस इट वाज रियली गुड फिल्म की म्यूजिक की बात करते कैसी पेपी है एकदम अपबीट है मतलब जोश आता है मोटिवेशन मिलता है तो आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स देना चाहोगे इट विल बी ऑब्वियसली 5 दीपिका थैंक यू सो मच कैसी लगी आपको दीपिका अच्छी लगी काफी एक्शन अच्छा है काफी उसका फर्स्ट टाइम दीपिका हॉलीवुड मूवी कर रही है तो कैसे लगी जोड़ी अच्छी थी काफ़ी दीपिका पादुकोण का भी एक्शन काफ़ी अच्छा था उसके अंदर उनकी म्यूजिक की बात करें तो कैसा लगा दो ही म्यूजिक अपना दो सॉन्ग्स है उसमें काफ़ी अच्छा है सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छा है उनकी एक्टिंग की बात करें तो किसकी एक्टिंग ज़्यादा अच्छी है विन डीजल की काफ़ी अच्छी है बिकॉज दीपिका का थोड़ा एक्सेंट का प्रॉब्लम था इसके लिए थैंक्स ओके तो आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स देना चाहेंगे मैं 3 एंड हाफ थैंक यू सो मच सो कैसी लगी आपको फिल्म मूवी वाज ओके थोड़ा छोटा था बट एवरीबॉडी वाज गुड एक्शन मूवी एंड आई विल गिव 4 स्टार टू इट मतलब आई वांट टू फर्स्ट टाइम हॉलीवुड मूवी कर रही है शी वाज हॉट ट्रेमेंडसली हॉट अगर एक्टिंग वाइज कर देखने आएंगे तो किसकी एक्टिंग ज्यादा आई लव दीपिका एनी टाइम एनीवेयर एनी वे एनीथिंग तो फिल्म की म्यूजिक की बात करें कैसी लगी म्यूजिक वाज गुड और Everything was okay, 4-star and that's it. अगर हम देखने जाएंगे कॉन्सेप्ट वाइज किस तरीके का कॉन्सेप्ट है और किस तरीके की स्टोरी है हॉलीवुड एक्शन मूवी द सेम काइंड ऑफ थ्रिलर एवरीथिंग वाज लाइक यू नो गेटिंग अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन दैट्स इट ओके कैसी लगी आपको बहुत अच्छी थी फर्स्ट टाइम दीपिका हॉलीवुड मूवी कर रही थी क्या वो मैच कर रही है हॉलीवुड स्टाइल वैसे तो मैच कर रही है परफेक्ट है उसका ऐसे लग रही थी हॉलीवुड एक्ट्रेस ही है देख लुक्स में तो दोनों की केमिस्ट्री कैसी लगती है बहुत अच्छी थी अगर एक्टिंग वाइज देखने जाएंगे तो ज़्यादा अच्छी एक्टिंग ऐसा कह नहीं सकते बट विन डीजल बेटर ही लगता है वो पहले भी हॉलीवुड मूवीज कर चुका है अगर फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो कैसी है म्यूजिक के जो जो एंडिंग के जो सॉन्ग्स थे वो बहुत अच्छे थे क्या सकते हैं बहुत अच्छी मूवी है दीपिका पादुकोण ने बहुत अच्छी एक्टिंग किया है विन डीजल इज लुकिंग वेरी स्मार्ट एंड हॉट इट्स एन ऑसम मूवी पीपल शुड गो एंड वॉच दीपिका फर्स्ट टाइम हॉलीवुड मूवी कर रही है तो क्या वो स्टाइल को मैच कर पा रही है हॉलीवुड स्टाइल एग्जैक्टली शी इज क्वाइट फाइन इन दैट रोल और बहुत अच्छा लगा मूवी देख के एंड आई होप कि बहुत से लोग ये मूवी देखें और इट्स वेरी नाइस की केमिस्ट्री कैसी लगती है अच्छी लग रही है बहुत अच्छी है दे आर गोइंग वेल फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो कैसी म्यूजिक ऑसम मतलब आपका जो इफेक्ट दिया हुआ है थोड़ा सा मतलब सिनेपोलिस का मैं बोलूँगा थोड़ा सा साउंड इफेक्ट में मेरे को लाइक अच्छा नहीं लगा इन कंपेरेबल टू पी वी आर सो लेट्स सी इट्स ओके तो आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स देना चाहोगे मूवी को 4 वेलकम अमेजिंग मूवी केमिस्ट्री कैसी लगी दोनों की विन डीजल और दीपिका की बहुत अच्छी थी मज़ा आ गया अगर स्टोरी वाइज देखने आएंगे तो कैसी है मूवी स्टोरी वाइज वैसे तो अच्छी है और एक्शन पैक मूवी है मज़ा आ गया देख के आउट ऑफ 5 स्टार्स कितने देना चाहोगे 4 थैंक यू सो मच आपने ट्रिपल एक्स देखा इट्स अमेजिंग दीपिका इज रियली नाइस एक्टिंग किसकी ज़्यादा अच्छी विन डीजल या दीपिका दोनों की स्टोरी वाइज देखने जाएंगे तो कैसी लगी बहुत अच्छी है दोनों की केमिस्ट्री कैसी लगती है सुपर वेरी नाइस
5 I can give. It is really nice seeing Deepika. Thank you so much.